और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोकेशन कितना ज्यादा खतरनाक भी है, सुंदर के साथ ही ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मॉर्निंग वेलकम टू डेली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 12 बज रहे हैं और मेरा ऑनलाइन क्लास 11 बजे खत्म हो गया था और 11:30 तक हम नहाने आए थे और अभी 12 बज रहे हैं। 12 बजे नहा के आपको मेरा बाल देख के लग ही रहा होगा कि अभी हम जस्ट नहा के आए और आधा घंटा लग गया मेरे को नहाने में। आधा घंटा इसलिए लगा नहाने में क्योंकि जब भी नहाने आते हैं मैक्सिमम मेरे साथ ऐसा होता है कि हम बाल्टी में पानी ला के लेके बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद खेलते रहते हैं। हाँ होता है, शायद आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो अभी नहा वगैरह लिए, फ्रेश हो गए, जा रहे हैं, थोड़ा सा भूख भी लग रहा है, खाना खा लेंगे। पर उससे पहले आज मेरे को मन कर रहा है कि हम भगवान जी को तुलसी चौरा में यहाँ पर जल दे दें। तो आज तुलसी चौरा में हम जल दे देते हैं। वैसे यहाँ लोटा यहाँ रखा हुआ होगा जिससे जल दिया जाता है। तो ये रहा, ये इसे जल दे देते हैं। भगवान को जल दे दिए और थोड़ा सा तुलसी चौरा में भी जल दे दिए। तुलसी चौरा में जल देने से ये भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो प्लांट में पानी भी जाता है और एक मन को शांति मिल जाता है जल देने के बाद। तो फिलहाल अभी 12 बज रहा है, टाइम तो आपको बता ही दिए। तो जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। खाने में ये कुछ है, दाल चावल और आलू का भुजिया। वैसे ही आज हम खाना इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आलू का भुजिया के साथ दाल चावल मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है निखिल, उसका फेवरेट खाना है। तो ये उसके लिए। हम के 4 बज चुके हैं अभी और जैसा कि आपको बताए थे कि हम मतलब निखिल का फेवरेट खाना है आलू का भुजिया और दाल चावल। तो हाँ वो फेवरेट खाना मेरा भी एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे उस समय बस दाल बनाते थे, चावल बनाते थे, उसके बाद सब्जी बनाने का तो हिम्मत ही नहीं करता था। मतलब भुजिया बनाने का सोचते थे, आलू तो रखा रहता था, सब्जी वगैरह उतना कम रहता था वहाँ पर, आलू रखा हो उसको काटने का फिर उसको सब्जी बनाने का हिम्मत नहीं करता था हम लोग का। तो गलती से शायद किसी दिन गलती से हम लोग का भुजिया बन जाए तो उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे और बहुत हैप्पली खाते थे कि हाँ चलो भाई मतलब दाल और चावल, सिर्फ दाल चावल नहीं साथ में भुजिया भी है। तो बस इसलिए आपको पता था कि देखिए निखिल का ये फेवरेट खाना है। तो वैसे अभी 4 बज गया, निकल रहे हैं अपने जहाँ खेत, अपने गार्डन में, अपने खेत में जहाँ कोड़ेंगे हम लोग और एक बार कोड़ना है अभी बाकी, उसके बाद सब्जी लगाएंगे अभी। तो चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्टेड। वाह वाह मजा आया, आंसू उठा दिया पूरा ऊपर तक। इस आपने वाइट कलर का उड़हुल देखा होगा, रेड कलर का देखा होगा, पर ये गुलाबी कलर का, पिंक कलर का उड़हुल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जबकि ये जो गाछ है ये वाइट उड़हुल का है और इसमें एक पिंक उड़हुल खिला है, वो भी पहली बार। जगह पीछे आपको दिख रहा है जिसमें कुदारी वगैरह रखा हुआ है, इसमें अभी कुदारी रखे और अभी इसमें दोबारा कोड़ेंगे। कल आपने वीडियो, पिछले वीडियो में देखा था कि एक बार इसको कोड़ा जा चुका है, तो बस आज इसमें दोबारा कोड़ेंगे और फिर उसमें इसमें सब्जी लगाएंगे। और मौसम भी बारिश कर रहा है तो शायद ये थोड़ा दिक्कत वाला बात है, क्योंकि अगर बारिश हो गया तो फिर जितना भी कोड़ा जाएगा वो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो फिर भी बारिश होगा तो वो फ्यूचर में देखा जाएगा, पर अभी इसको पहले एक बार कोड़ देते हैं। और अंशु भी साथ में आया है। We'll be right back.
गाइस देख सकते हैं मेरा पसीना से कितना बुरा हाल हो गया है, और अभी अभी ये पूरा दोबारा कोड़ के कम्प्लीट किया है, और दोबारा कोड़ने में नहीं भी तो आधा घंटा लग गया मेरे को, मतलब 4 बजे या 4:30 बजे तक यहाँ पहुँचे थे और आधा घंटा लग गया, मतलब 5 बज चुका है अभी टाइम, और आधा घंटा हो गया बस इसी को कोड़ने में। तो टाइम लगता है, मेहनत लगता है और पसीना भी निकलता है कोड़ने में। तो अगर आपका घर में खेत है, आप वहाँ काम कीजिएगा तो आपका वर्कआउट हो जाएगा, आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का या फिर जिम जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वहाँ आप अपना खेत है या फिर कोई बागवान है तो वहाँ काम कर सकते हैं। वैसे अभी यहाँ तोड़ चुके हैं एक बार, बस एक बार आप इसमें फिनिशिंग टच देना है, मतलब कि ऊपर के से मिट्टी को बराबर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी रुखड़ा मिट्टी है, उधर ये सब मिट्टी अभी मिला हुआ ठीक से नहीं है, बराबर नहीं है। तो अब काम ये करना है कि पहले इसको एक बार बराबर करना है, उसके बाद क्यारी बनाना है। क्यारी बनाना कैसे जाता है आपको पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं कि जहाँ पानी बहता है और ऊपर बीच बीच में वहाँ घास लगाया जाता है, तो वो करना है। उसके बाद यहाँ घास लग जाएगा और कुछ दिन के बाद उसे मतलब जो सब्जियों का वो उगने लगेगा। तो बस इतना ही किया जाता है। तो आप भी मेहनत कीजिए और सब्जी खुद का उगाइए, खुद का सब्जी खाइए। तब तक के लिए अभी वीडियो यहीं बंद करते हैं, बाय बाय। गाइस आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, एक अगर आप मेरा 1K सब्सक्राइब हो जा देंगे तो इस पेड़ के ऊपर हम ट्री हाउस बनाने वाले हैं, अगर 1K सब्सक्राइब हो गया तो। वैसे ये बहुत ऊंचा पेड़ है, बहुत लंबा पेड़ है। बाय बाय ऑस्कर, अब तुमसे कल मिलते हैं, बाय बाय। और सॉरी आज तुमको हम अर्थवर्म नहीं दिए खाने के लिए, पर बाय बाय कल मिलते हैं। वैसे एक्वेरियम बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लगता है यहाँ का जो सरकार है वो अभी तक मेंटोस नहीं खाया है। अगर मेंटोस खा लेता वो तो उसका दिमाग का पता चल जाता और वो यहाँ कम से कम सड़क वगैरह बना लेता। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ का रास्ता का, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा तो बोलो कैसा लग रहा है यहाँ का हवा, कैसा लग रहा है बताओ अंशु? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना, हवा चल रहा है, मज़ा आ रहा है ना? अब तो मौसम अच्छा लग रहा है और अभी बारिश होने लायक कुछ देर में बारिश होने वाला है। तो गाइस कुछ देर में बारिश होने वाला है इसीलिए हम लोग निकल गए। वैसे मेरा बाल उड़ते हुए आप देख रहे होंगे तो कितना अच्छा लग रहा है, और मतलब शाम का 6 बज रहा है अभी और फिर भी इतना वाइटनेस है, मतलब कि अभी तक यहाँ रोशनी है पूरा, क्योंकि इतना खुला रास्ता है, खुला जगह है और हवा चल रहा है और मौसम बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ पहाड़ वगैरह सब है चारों तरफ, अगर आपको मन है तो यहाँ आके बैठिएगा तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोकेशन कितना ज़्यादा खतरनाक भी है, सुंदर के साथ ही ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है और मेरा ब्लॉगिंग आपको अच्छा लगता है देखने में, तो आपके डिमांड पे हम यहाँ एक हॉरर ब्लॉग भी बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक हॉरर ब्लॉग देखें तो आप कमेंट कीजिए, अगर आप हॉरर ब्लॉग देखना चाहते हैं। रास्ता भी बहुत ख़तरनाक है यहाँ का, और नदी वगैरह सब कुछ है, पहाड़ वगैरह चारों साइड है, तो बहुत ही ख़तरनाक सा नज़ारा आएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग बनेगा। तो बस रास्ता में निकलते हैं। गाइस घर आ चुके हैं अब, और एकदम पसीना पसीना शुरू हो जाता है वहाँ से आने के बाद, क्योंकि आप तो देखते हैं कितना काम करना पड़ता है वहाँ जाके। तो वहाँ काम करते तो अपना काम करते, किसी और का काम नहीं करते, तो बस इसीलिए काम हो जाता है। और फिलहाल अभी बालकोनी में जाएंगे, गमला में पानी वगैरह दे देते हैं क्योंकि शाम हो गया, और कल भी पानी नहीं दिए थे बालकोनी में, कल पानी देते हुए आप हमको देखे थे, वो हम छत पर दिए थे बट नीचे नहीं दिए थे। तो आज जाते हैं, अभी नीचे पानी दे देते हैं। सारे प्लांट में पानी दे चुके हैं, और ये कुछ नज़ारा है मेरे बालकोनी का, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लुक है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जे दुर्गे खप्पड़ वाली, हम तेरी ही गुण गाए, भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना सोना ना चांदी मैया, ना सोना ना चांदी, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना मैया, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बजाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को निवारती, ए मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
तो गाइज रात के अभी 10 बज रहे हैं और मेरा वीडियो एडिटिंग तो हुआ नहीं है अभी, बट हम उसको अपलोड कर चुके हैं काइन मास्टर में। हम काइन मास्टर से ही वीडियो एडिट करते हैं अपना सारा, तो उसको अपलोड कर चुके हैं। कुछ देर में एडिट भी हो जाएगा, लगभग 1 से 1.5 घंटा में एडिट हो जाएगा, मतलब 12 बजे तक तो हम सो ही जाएंगे। वैसे आपको मेरा ब्लॉग से कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता होगा, और आपको सीखने के लिए कुछ मिलता है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आप मेरा चैनल में नए हैं या फिर आप मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, क्योंकि मेरा वीडियो आपको रेगुलर ऑन टाइम मिलेगा। तो फिलहाल आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, पर ब्लॉग ख़त्म करने से पहले हम ये जो खाना है इसको ख़त्म करते हैं। तड़का है, रोटी है, चोखा है और सलाद वगैरह, तो इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। अरे ये क्या देख लिया भगवान, कितना मतलब डरावना लग रहा है। अब तो रात को नींद भी नहीं आएगा लगता है, पूरा का पूरा इसमें भरा हुआ है। बाबा रे।